आप सभी ने कभी न कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि कभी अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक नॉर्मल से छोटी सी बात जो आप सभी समझते भी हैं, बट जाने अनजाने में कभी न कभी आपने अपना समय जरूर खराब किया है। हेलो दोस्तों, मैं योगेश, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करूँगा आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। हाँ कर दो यार, इन्वेस्टमेंट कर दो उसमें। राइट राइट सर, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंपनी में, शेयर मार्केट में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में लगाओगे तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर क्या मैं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? यस, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आप स्टूडेंट ही कर सकते हैं। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, बिकॉज पैसे तो है नहीं। दुनिया में पैसे से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट समय है। सही सुना आपने, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समय होता है। इन्वेस्ट योर टाइम टू डूइंग राइट थिंग। आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर वन, आप जिस भी फील्ड से हैं अपना समय सिर्फ उस फील्ड में दें। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना समय अपने स्टडी में दें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपना समय अपने बिजनेस में दें, अगर आप प्लेयर हैं तो अपना समय अपने स्पोर्ट्स में दें, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपना समय अपने आर्ट में दें। एंड नंबर टू, नॉलेज गेन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से आपको नॉलेज गेन करना है। आप जिस भी फील्ड से हैं आपको उस फील्ड के बारे में जितना सोचेंगे, जितना सर्च करेंगे, आपका इंटरेस्ट उसमें उतना बना रहेगा। और क्या नहीं करना है? नंबर वन, टीवी का यूज़ बहुत कम करें। नंबर टू, कम फ्रेंड्स बनाएं। नंबर थ्री, कम सोइए। आज के जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये तीन: टीवी जरूरत से ज़्यादा देखना, बहुत अधिक दोस्त होना और जरूरत से ज़्यादा सोना। मेरे अनुभव में एक इंसान के पास अपने कैरियर को समय देने का, अपने कैरियर पर इन्वेस्ट करने का सबसे सही उम्र 17 से 23 साल होता है। अगर आप 17 से 23 साल में अपना समय अपने स्टडी पर, अपने स्किल पर, अपने स्पोर्ट्स पर, अपने आर्ट पर पूरी तरह से लगा दें तो यकीन मानिए आपको इसका फ़ायदा ज़िंदगी भर मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ज़िंदगी भर मिलेगा। आपकी लाइफ आसान और शानदार हो जाएगी। आप खूब नाम और खूब पैसा कमाएंगे। और 17 से 23 के बीच अगर आपने अपना समय टीवी, मोबाइल, फ्रेंड्स, पार्टी, सोने में ख़राब कर दिया तो आप कितना भी मेहनत कर लें, हासिल आपको कुछ नहीं होगा। जिसका कारण आपकी किस्मत नहीं, आप खुद होंगे। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, अपना सारा समय उस पर इन्वेस्ट कर दें। अपना समय बर्बाद करना बंद करें। कहीं ऐसा ना हो जब तक आपको ये सारी बातें समझ में आए तब तक आप बहुत देर हो गए और इसे आप अपनी ख़राब किस्मत का नाम दे दें। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, कुछ बड़ा करना है, तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। यूट्यूब में भर के नॉलेज पड़ा हुआ है। इंग्लिश हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, मैथ्स हो, जीके हो, जो भी आपको पसंद है वो सीखिए। बस अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप सीख रहे होंगे तब कोई अपना समय बर्बाद कर रहा होगा और आप धीरे धीरे उससे आगे निकलते जा रहे होंगे।